हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के जो इंडेक्स क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स एक्सरसाइज 2 को सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम इंडेक्स एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्लास 10th के जो जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर देख सकें, सारी वीडियोस को आप देख सकें और तैयारी कर सकें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, इंडेक्स एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। इंडेक्स एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। क्वेश्चन में कहने का मतलब है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स की बॉडी में होती है वो कैसे होती है, क्या क्या उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होती है, कौन सा रिसेप्टर है, कौन सा स्टिमुली होती है, सारा कुछ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। जो भी हमारे बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन होते हैं, जो भी, वो किसकी वजह से होते हैं, हार्मोन्स की वजह से होते हैं। यहाँ पे केमिकल लिख दिया गया है, इसका मतलब कि हार्मोन्स ही, हार्मोन्स है हमारी बॉडी में, एंजाइम्स हैं, तो हार्मोन्स की वजह से जो भी हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है उसी की वजह से होता है, ठीक है। हार्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज सेक्रेटेड बाई स्पेसिफिक ग्लैंड्स। कह रहे जो हार्मोन्स होता है उन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, सारे इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। अगर हम बात करें दौड़ने की, कोई भी हमारे बॉडी में जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उसकी, या फिर कोई भी हम एक्सटर्नल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, सब कुछ इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। और ये हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं, हार्मोन्स सिक्रेट हमारे ग्लैंड्स से, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। द हार्मोन्स एक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन विच मे बी फार अवे फ्रॉम द ग्लैंड, therefore these hormones are secreted by the glands in the blood and transport to the target organs where they act. ये hormones जो होते हैं पूरी body में एक specific place पर present होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनकी जो secretion होती है all over body में transport होती रहती है, हमारे blood में इनका secretion पहुँच जाता है और इसके बाद blood के through पूरी body में transportation होता है। transportation होने से जहाँ पर इनका target organ होता है, जहाँ पर इन्हें अपना hormones को target करना रहता है, जहाँ पर इन्हें रिस्पॉन्स करना रहता है, वहाँ पे ये जाके एक्ट करते हैं, उस ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं। द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन्स कम्स अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम। द नर्वस सिस्टम अलोंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम इन आवर बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कह रहे हैं जो भी हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं सब एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में आती हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जितने भी, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम में और हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कि एड्रेनलिन ग्लैंड है, हम दौड़ते हैं, या फिर जो हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है, या फिर हमें जो कोल्डनेस लगता है, हॉटनेस लगता है, सब इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। तो ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी होता है। जो नर्वस सिस्टम किस में हेल्प करता है, वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही हेल्प करता है विद द इनके साथ साथ, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट एडवाइजेबल। कह रहे जो भी हम सॉल्ट लेते हैं उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, तो आयोडीन साल्ट की एडवाइजेबल क्यों होती है, मतलब कि हमें सॉल्ट अगर लेना है तो आयोडीन के साथ ही क्यों लेना है, ठीक है। तो ये कहा जाता है, तो इसका हमें यहाँ पे रीज़न बताना है। कंजप्शन ऑफ आयोडीन इन द डाइट हेल्प्स टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जैसे जैसे आयोडीन प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो भी हम इनटेक करते हैं आयोडीन की, उसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये थायरॉक्सिन जो होता है ये क्या करता है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इसकी थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट को बचाता है। मतलब कि अगर हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, हमने इंसुलिन नहीं लिया, मतलब आयोडाइन साल्ट नहीं लिया, हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और हमारे गले के पास जो हमारा गले का एरिया होता है, जैसे ये हमारा फेस है ऊपर का, ये हमारे गले का जो एरिया है, ये धीरे धीरे फूलने लगता है, ऐसे ऐसे फूलने लगता है, और फूलते फूलते काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे डिजीज, जिसको हम कहते हैं गॉइटर, सिंपल गॉइटर, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से हमारा सिंपल गॉइटर हो सकता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक हमें लेना चाहिए अपने भोजन में, खाने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि How does our body respond when adrenaline is secreted in our body? जैसे ही एड्रेनलिन
हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, आपको पता होगा एड्रेनलिन ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, जहाँ से ये एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। ठीक है, तो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आर ऑल्सो कॉल्ड एपीफेरिन एंड नॉन एपीफेरिन रिस्पेक्टिवली। जो एड्रेनलिन होता है उसको हम एपीफेरिन कहते हैं, और जो हमारा नॉन एड्रेनलिन होता है उसको हम नॉन एपीफेरिन कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, यही जो एड्रेनलिन का एपीफेरिन एंड नॉन एड्रेनलिन का नॉन एपीफेरिन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, एड्रेनलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर एनी इमरजेंसी। जो एड्रेनलिन हमारा होता है ये एक नर्वस सिस्टम का एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर एनी इमरजेंसी। कोई भी अगर हमारी बॉडी में इमरजेंसी आती है तो उस समय जो एड्रेनलिन ग्लैंड है हमारा वो एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमारी इमरजेंसी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए हेल्प करता है। ठीक है, गेटिंग स्केयर्ड, स्वेटिंग, शिवरिंग एटसेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ एड्रेनलिन सिस्टम सेक्रेशन, मतलब कि एड्रेनलिन ग्लैंड से जो हमारे सिक्रेशन रिलीज होते हैं ये क्या करते हैं, मैक्सिमम जो हम अगर हम डरते हैं तो हमारी बॉडी शिवरिंग करती है, जो हम स्वेटिंग करते हैं ये सब सारे एड्रेनलिन की सिक्रेशन की वजह से होता है। ये सब हमारी बॉडी में जो ये रिस्पॉन्सेज हैं ये हमारी उसकी वजह से होती है, ये हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हैं। ठीक है, ऑल दिस रिस्पॉन्सेज इनेबल बेटर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स टिश्यू फॉर रेस्पिरेशन सो एज टू रिलीज मोर एनर्जी फॉर आइदर फ्लाइट और फाइट। कहने का मतलब ये है कि जो ये एड्रेनलिन सिक्रेशन है इसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, पूरी तरह से तैयार होती है। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर एक एक मसल्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, बेटर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, हमारे रेस्पिरेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिससे क्या होता है मोर से ज़्यादा मोर एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगती है, हमारी मसल्स में प्रोड्यूस होने लगती है, चाहे आप उससे फ्लाइट कीजिए या फाइट कीजिए। Thus, adrenaline enables the body to deal with any stress or emergency. Therefore, it is called as emergency hormones. Adrenaline को हम emergency hormones भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी emergency होती है तो यही hormones हमारा release होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये इमरजेंसी में डील भी करता है स्ट्रेस के साथ, जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होते हैं उसके साथ भी डील करता है, जो हमें डर वगैरह लगता है उससे भी हमारा ये उसके साथ मतलब स्ट्रेस के साथ उसके साथ डील करता है, ताकि हमारे बॉडी में मतलब ऐसा कुछ इमरजेंसी के समय ना हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाई गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। आपने देखा होगा जो भी आपके घर में या फिर आस पड़ोस में जो भी डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होंगे उनको इंसुलिन की एक इंजेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंसुलिन की इंजेक्शन क्यों दी जाती है डायबिटीज़ पेशेंट्स को। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स ड्यूरिंग डायबिटीज़ मेलाइटस द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज टू हाई। जो मेलाइटस यानी कि जो डायबिटीज़ की थर्ड स्टेज होती है, थर्ड टाइप होती है, उसमें क्या होता है कि जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और इसलिए जो हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन का मेनली काम होता है कि हमारी बॉडी में जो भी ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करे। ठीक है, लेकिन जब ब्लड शुगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अच्छा जो इंसुलिन होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो इंसुलिन होता है वो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। ठीक है, तो वो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है तो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में करता है, तो अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो पैनक्रियाज हमारा सिक्रीट कर रहा होता है इंसुलिन, वो क्या होता है कि इनसफिशियंट होता है, पर्याप्त नहीं होता है कि वो उतने सारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा क्या करते हैं उसमें वो देते हैं, इंसुलिन देते हैं। ठीक है, इंसुलिन और हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल बाय कन्वर्टिंग एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन द लीवर। ये कैसे कंट्रोल करता है, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है जो हमारे लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो वही जब इंसुलिन इन द सच पेशेंट द अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज इज इनसफिशियंट टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, दिस इज रीजन वाई डायबिटिक पेशेंट आर ट्रीटेड बाई गिविंग इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन। इसलिए हम उसको इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शुगर लेवल हमारी बॉडी की कंट्रोल रहे। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में तैयार रहने देते हैं, हमारा इंटेक्स एक्सरसाइज 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन थे इसी चैप्टर्स के उसको शुरू करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे। तो चलिए फिलहाल
रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।